अज नैशनल टीचर्स डे के मौके पर पंजाब सरकार अध्यापक वर्ग लिए वड्डा ऐलान कर सकती है। अध्यापक दिवस को समर्पित श्री आनंदपुर साहब के होने वाले सूबा पदरी समागम के मुख्यमंत्री भगवंत मान वड्डा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों मुताबक अध्यापकों को 7वें पे कमीशन के रूप में वड्डा तोहफा दिता जा सकता है। उधर पंजाब सरकार वालों इस संबंधी अज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग भी सदी गई है, जिस पे कमीशन देने का फैसला रखा जा सकता है, जिसते मोहर लग सकती है। इस फैसले का यूनिवर्सिटी के कॉलेज के तकरीबन 5,500 रेगुलर अध्यापकों नूं लाभ होगा। इस नाल हर अध्यापक नूं 20 तों 45,000 तक का फायदा होगा। दूजे पासे इस फैसले दे नाल पंजाब सरकार दे खजाने ते तकरीबन 350 करोड़ रुपए का सालाना बोझ भी पवेगा। दसी कि देश दीयां लगभग सारी सूबा सरकारां दे वल्लों 7वें पे कमीशन दिता जा रहा, पर पंजाब सरकार दे वल्लों इहनूं लटकाया जा रहा सी। इस तों इलावा सरकार दे वल्लों यूनिवर्सिटी ते कालजां दे कॉन्ट्रैक्ट आधारित अध्यापकां लई भी इनक्रीमेंट दी व्यवस्था कीती जा सकती है। अज सीएम मान दे वल्लों टीचर्स नूं वड्डे तोहफे दिते जा सकते ने। दसदे कि हुण तक इनक्रीमेंट उहनां अध्यापकां नूं ही मिलेगा जो योग्यता पूरी करते हैं। सूत्रों मुताबक इनक्रीमेंट तो वांझे अध्यापकों को सरकार 2 या 3 साल का समा देगी ता जो अपनी योग्यता पूरा करन ते उन्होंने भी यह मौका मिल सके। अज नैशनल टीचर्स डे के मौके पर पंजाब सरकार अध्यापक वर्ग लिए वड्डा ऐलान कर सकती है, उन्होंने वड्डे तोहफे दिते जा सकते हैं। 7वां पे कमीशन लागू किया जा सकता है, जिस दे नाल हर अध्यापक 20 तों 45,000 तक का फायदा होगा। इस तों इलावा यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के कॉन्ट्रैक्ट आधारित अध्यापकों लिए भी इनक्रीमेंट ऐलानिया जा सकता है। अज नैशनल टीचर्स डे के मौके पर पंजाब सरकार अध्यापक वर्ग लिए वड्डा ऐलान कर सकती है। अध्यापक दिवस को समर्पित श्री आनंदपुर साहब के होने वाले सूबा पदरी समागम के मुख्यमंत्री भगवंत मान वड्डा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों मुताबक अध्यापकों को 7वें पे कमीशन के रूप में वड्डा तोहफा दिता जा सकता है। उधर पंजाब सरकार वालों इस संबंधी अज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग भी सदी गई है, जिस पे कमीशन देने का फैसला रखा जा सकता है, जिसते मोहर लग सकती है। इस फैसले का यूनिवर्सिटी के कॉलेज के तकरीबन 5,000 रेगुलर अध्यापकों को लाभ होगा। इस नाल हर अध्यापक 20 तों 45,000 तक का फायदा होगा। दूजे पासे इस फैसले दे नाल पंजाब सरकार दे खजाने ते तकरीबन 350 करोड़ रुपए का सालाना बोझ भी पवेगा। दसी कि देश दीयां लगभग सारी सूबा सरकारां दे वल्लों 7वें पे कमीशन दिता जा रहा, पर पंजाब सरकार दे वल्लों इहनूं लटकाया जा रहा सी। इस तों इलावा सरकार दे वल्लों यूनिवर्सिटी ते कालजां दे कॉन्ट्रैक्ट आधारित अध्यापकों लई भी इनक्रीमेंट दी व्यवस्था कीती जा सकती है। अज सीएम मान दे वल्लों टीचर्स नूं वड्डे तोहफे दिते जा सकते ने। दसदे कि हुण तक इनक्रीमेंट उहनां अध्यापकों नूं ही मिलेगा जो योग्यता पूरी करते हैं। सूत्रों मुताबक इनक्रीमेंट तो वांझे अध्यापकों को सरकार 2 या 3 साल का समा देगी ता जो अपनी योग्यता पूरा करन ते उन्हां नूं भी यह मौका मिल सके। अज नैशनल टीचर्स डे के मौके पर पंजाब सरकार अध्यापक वर्ग लिए वड्डा ऐलान कर सकती है, उन्होंने वड्डे तोहफे दिते जा सकते हैं। 7वां पे कमीशन लागू किया जा सकता है, जिस दे नाल हर अध्यापक 20 तों 45,000 तक का फायदा होगा। इस तों इलावा यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के कॉन्ट्रैक्ट आधारित अध्यापकों लिए भी इनक्रीमेंट ऐलानिया जा सकता है। अज नैशनल टीचर्स डे के मौके पर पंजाब सरकार अध्यापक वर्ग लिए वड्डा ऐलान कर सकती है। अध्यापक दिवस को समर्पित श्री आनंदपुर साहब के होने वाले सूबा पदरी समागम के मुख्यमंत्री भगवंत मान वड्डा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों मुताबक अध्यापकों को 7वें पे कमीशन के रूप में वड्डा तोहफा दिता जा सकता है। उधर पंजाब सरकार वालों इस संबंधी अज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग भी सदी गई है, जिस पे कमीशन देने का फैसला रखा जा सकता है, जिसते मोहर लग सकती है। इस फैसले का यूनिवर्सिटी के कॉलेज के तकरीबन 5,000 रेगुलर अध्यापकों को लाभ होगा। इस नाल हर अध्यापक 20 तों 45,000 तक का फायदा होगा। दूजे पासे इस फैसले दे नाल पंजाब सरकार दे खजाने ते तकरीबन 350 करोड़ रुपए का सालाना बोझ भी पवेगा। दसी कि देश दीयां लगभग सारी सूबा सरकारां दे वल्लों 7वें पे कमीशन दिता जा रहा, पर पंजाब सरकार दे वल्लों इहनूं लटकाया जा रहा सी। इस तों इलावा सरकार दे वल्लों यूनिवर्सिटी ते कालजां दे कॉन्ट्रैक्ट आधारित अध्यापकों लई भी इनक्रीमेंट दी व्यवस्था कीती जा सकती है। अज सीएम मान दे वल्लों टीचर्स नूं वड्डे तोहफे दिते जा सकते ने। दसदे कि हुण तक इनक्रीमेंट उहनां अध्यापकों नूं ही मिलेगा जो योग्यता पूरी करते हैं। सूत्रों मुताबक इनक्रीमेंट तो वांझे अध्यापकों को सरकार 2 या 3 साल का समा देगी ता जो अपनी योग्यता पूरा करन ते उन्हां नूं भी यह मौका मिल सके। अज नैशनल टीचर्स डे के मौके पर पंजाब सरकार अध्यापक वर्ग लिए वड्डा ऐलान कर सकती है, उन्होंने वड्डे तोहफे दिते जा सकते हैं। 7वां पे कमीशन लागू किया जा सकता है, जिस दे नाल हर अध्यापक 20 तों 45,000 तक का फायदा होगा। इस तों इलावा यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के कॉन्ट्रैक्ट आधारित अध्यापकों लिए भी इनक्रीमेंट ऐलानिया जा सकता है।